To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. You will be spending less than 10 minutes time. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल है, एक क्लब ने एक रनिंग रेस ऑर्गेनाइज की, रनिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। 5 रनर ने पार्टिसिपेट किया। आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं और उन इंफॉर्मेशंस के आधार पर आपने बताना है कि कौन किस रैंक पर आया। 5 रनर्स के रैंक आपने बताने हैं। पहला कंडीशन, देयर वेयर नो टाइज, 2 रनर एक साथ नहीं आए। दूसरा कंडीशन, मोहन सबसे पहले नहीं आया। तीसरा कंडीशन, सोहन पहले पोजीशन में भी नहीं था, आखिरी पोजीशन में भी नहीं था। चौथा कंडीशन, श्याम मोहन के एक पोजीशन पीछे आया। पांचवा कंडीशन, रघु सेकंड पोजीशन पर नहीं आया। और आखिरी कंडीशन, छठा कंडीशन, बाबू रघु से 2 पोजीशन पीछे था। अब आपने बताने हैं 5 रनर्स के रैंक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो बंद करें, अपने से ट्राई करें। तो चलिए अब देखते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन। हम हर कंडीशन से रनर्स की रैंक डिसाइड करेंगे। दूसरे कंडीशन से हमें पता लगता है कि मोहन का रैंक 2 या 3 या 4 या 5 हो सकता है। तीसरे कंडीशन से पता लगता है सोहन का रैंक 2 या 3 या 4 हो सकता है। चौथे कंडीशन से पता लगता है मोहन और श्याम के रैंक के रिलेशन। मोहन और श्याम के रैंक होंगे 2-3 या 3-4 या 4-5। यहां से हमें और एक चीज पता लगती है कि मोहन 5वें पोजीशन पर नहीं हो सकता। 5वें कंडीशन से हमें रघु के रैंक पता लगते हैं, 1-3-4 या 5, क्योंकि रघु दूसरे पोजीशन में नहीं आया। लास्ट कंडीशन में रघु और बाबू के रैंक के रिलेशन पता लगते हैं। क्या है रिलेशन? 1-3-3-5। दो ही रिलेशन हो सकते हैं, 2-4 पॉसिबल नहीं है। यहां से यह पता लगता है कि रघु 4 और 5वें नंबर पर नहीं हो सकता। जो कंक्लूजन हमने निकाले उसको फिर से लिख लें। मोहन 2-3-4-5, सोहन 2-3-4, मोहन और श्याम के रैंक के संबंध 2-3-3-4 या 4-5, रघु 1-3, रघु और बाबू के रैंक के संबंध 1-3 और 3-5। यहां से हम फाइनल कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। देखते हैं कैसे। यदि आप सभी कंडीशंस को देखें तो आप पाएंगे कि रघु सिर्फ पहले पोजीशन पर आ सकता है। नंबर 5 से बाबू 3 पर आ जाते हैं। सीरियल नंबर 3 को देखेंगे तो मोहन 4 नंबर पर आएगा और श्याम 5 नंबर पर आएगा। और दूसरे नंबर से सोहन 2 नंबर पर आ जाते हैं। इसलिए रघु का रैंक आया पहला और रघु के पीछे क्रमशः आए सोहन, बाबू, मोहन और श्याम। इस तरह की पजल सॉल्व करने से लॉजिकल थिंकिंग शार्पन होगी और हमें लॉजिकल थिंकिंग शार्पन करनी है, लॉजिकल थिंकिंग विकसित करनी है। इसी तरह से बहुत सारी कुशलताओं को विकसित करते करते 501 पजल की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।